देखिए आर्थर दुबई जा रहे हैं, वहां से वो 16 तारीख को एक्सपेक्टेड है कि ही अराइव इन लाहौर, वो बात करेंगे। क्या देखते हैं आप आगे का फ्यूचर? देखिए आई मीन राइटिंग ऑन द वॉल है, लेकिन ये जो समी ने निशानदेही की है मैनेजमेंट की, आई एग्री विद हिम, बड़ी सेंसिबल बात की है। और ये सारा गन डाला नजम सेठी ने, जब रमीज को चेंज करवाया कोई जरूरत नहीं थी उस वक्त, लेकिन उनको लॉलीपॉप खाने की बड़ी जरूरत थी, उन्होंने चेंज करवाया। उसके बाद देखें, मैं आपको शुरू करता हूँ, मंसूर राणा जो मैनेजर थे टीम के, उनका रेपो प्लेयर्स के साथ बहुत अच्छा था, खुद भी क्रिकेट खेले हुए थे, प्लेयरों की वो अंडरस्टैंड करते थे साइकी, बड़ा अच्छा वो काम वनडे भी खेले थे, पाकिस्तान वनडे भी खेले, बड़ा अच्छा वो काम करते आ रहे थे। उनको नजम सेठी ने चेंज किया, और किसके साथ चेंज किया? रेहानुल हक के। कौन है वो? इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैनेजर, जो पहले फुटबॉल के प्रोग्राम करता था। हाँ जी। अच्छा, आप उसको ले सुनना चाह रहे हैं ना मुझसे? उसको ले आए। जी, किस वजह से? लेकिन फिर अगर सपोज मान लिया सेठी साहब आए, तो जका साहब ने क्यों कंटिन्यू किया? उसके बाद मैं उसके बाद आपने जो है कोच लगा दिया मिकी आर्थर को। क्या मुसीबत थी कि आपको मिकी आर्थर को ऑन जूम कॉल के ऊपर एक्सेप्ट करना था? ठीक है, क्या क्या कबाहत थी, क्या किसी से स्कोर सेटल करना था कि आपने आपने पाकिस्तान के फ्यूचर का जो है वो फैसला किया गलत? लेकिन मिकी आर्थर तो कहता है कि स्टेबिलिटी नहीं है, इसलिए मैं अपनी वो जॉब नहीं छोड़ना चाहता था डर्बी शहर के डायरेक्टर कोचिंग की, तो डेट्स वाई उसने कहा कि जी मैं वहां तो करता रहूंगा, यहाँ आप अगर मुझे रखे। ये किसने एक्सेप्ट किया? पाकिस्तान क्रिकेट मिकी आर्थर ने तो कह दिया ना स्टेबिलिटी नहीं है, मैं नहीं आना चाहता। किसने इंसिस्ट किया कि आप आओ? तो हम गोरों के पीछे क्यों पड़े होते हैं? गोरों की बात नहीं है, कोई चक्कर कुछ और ही है, कमीशन का है, पता नहीं क्या चक्कर है जी। भाई एक एक बंदा जो है वो कह रहा है कि मैं वहां से बैठ के करूंगा, डज इट मेक सेंस? ये तो कहीं नहीं हुआ दुनिया, डज इट मेक सेंस? लेकिन फिर जका साहब ने क्यों उसको आगे करने काम करने दिया? देखे डर के ना कि यार अब वर्ल्ड क्लोजर टू द, उनके एडवाइजर होंगे ना क्लोजर टू द वर्ल्ड कप, अगर आपने चेंज किया तो सारा मुद्दा आपके ऊपर पड़ जाएगा, आप ये करोगे ये इसके साथ कंटिन्यू करोगे तो सारा मुद्दा आप पीछे डाल दोगे। लेकिन उन्होंने इंजमामुल हक, मोहम्मद हफीज, मिसबाहुल हक के साथ मुलाकात भी की, राशिद लतीफ भी आए, तो उस वक्त उन्होंने कोई फैसला नहीं किया जका अशरफ ने? देखिए किसी ना किसी ने तो मशवरा दिया होगा ना ये वाला। कौन है वो आदमी, धक्का किसने दिया, ये सवाल ये पैदा होता है। जी वो उस वहां पे मौजूद नहीं था, लेकिन ये सारी एपिसोड स्टार्ट हुई भी है रमीज के चेंज करने से 22 दिसंबर 2022 को। तब से आप देख लें जो डिसीजन हुए हैं। अब मेरा क्वेश्चन यह है कि भाई आपने टीम में भी उछाड़ पछाड़ की, आपने किया चेंजेस की जो मेरे नहीं ख्याल के इतना अच्छा कोई रिजल्ट लेके आए, लेकिन वो इन्फ्लुएंस हुई थी। अच्छा। मैं मुझे यहां पे बैठ के पता है कि वो इन्फ्लुएंस हुई थी। अब ये सारा जो खेल है ना, उसमें उसमें नुकसान किसका हुआ? पाकिस्तान क्रिकेट का समी। लेकिन कभी शाहिद आफरीदी चीफ सेलेक्टर बन जाते हैं, कभी हारून रशीद चीफ सेलेक्टर बन जाते हैं, कभी इंजमामुल हक चीफ सेलेक्टर बन जाते हैं, स्टेबिलिटी क्यों नहीं है हमारे यहाँ? के मुस्तकिल मिजाजी की कमी नज़र नहीं आती कि हर आदमी हर अपने एंगल से सोचेगा ना? जो चीफ सेलेक्टर बनेगा वो अपने एंगल से सोचेगा, उसकी अपनी नॉलेज होगी, चाहे कितने बड़े प्लेयर क्यों ना हो। तो ये हमारे ये मुस्तकिल मिजाजी क्यों नहीं है? मुस्तकिल मिजाजी नहीं है। जब भी आप देखें टीम का भी आप परफॉर्मेंस देखें, इसी वजह से ऐसी है कि ना आपके क्रिकेट बोर्ड में मुस्तकिल मिजाजी है। जैसे आपने देखा कि कभी 3 महीने चेयरमैन कोई होते हैं, 3 महीने कोई होते हैं, अगले, अगले महीने पूरा एक साल हो जाएगा। तो डिसीजन तो टॉप से शुरू होते हैं ना, तो फिर ये आते हैं सिलेक्शन का प्रोसेस बाद में आता है। तो हमारा टॉप ही ये 4-6 महीने बाद चेंज हो रहा है, तो फिर क्या इस तरह होगा? ये बात तो सही की है, ऊपर वाले ही हमारे बदलते हैं। और ये फिर रस्साकशी क्यों है, हमें सीट में क्या रखा हुआ है? मेरा पॉइंट ये है कि आपकी तैयारी क्या थी? आप देखें आपकी जब नजम सेठी आए, आपकी सीरीज थी ओडीआईज की, आपको वर्ल्ड कप से पहले और एशिया कप से पहले जितने वनडे आप खेल सकते थे आपको खेलने चाहिए, ऑलरेडी डिसाइडेड थे ना? नहीं नहीं, आपने T20 जो करवाए उधर अफगानिस्तान के साथ, वो ओडीआईज थे। बात यह है कि जब एक बंदा क्रिकेट से ही पैदल है, तो उसको बार बार आप बनाएंगे, तो व्हाट डू यू थिंक कि क्या होगा? क्या वो एक ही बंदा पैदल है या बाकी लोग भी उसका पीछा करने वाले भी पैदल है? वो पैदल के पीछे फिर पैदल ही है ना? मैं ये पूछ रहा हूँ, उसका पीछा करने वाले भी पैदल है ना?
समी कि एक बंदा पाकिस्तान क्रिकेट का ही आलमिया नहीं है, दुख होता है हमें। मैं आज इंडियंस को सुन रहा था और वो भी बड़ी वो बातें कर रहे थे कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस टीम जो ओडीआई रैंकिंग की नंबर वन टीम थी, न्यूजीलैंड को इस साल के अवाइल में जब हमने कराची में हराया तो हम एक दिन के लिए सही हम ओडीआई रैंकिंग की नंबर वन टीम हो गए। फिर उसके बाद में भी हम हुए, लेकिन क्या हो गया हमें? देखें वही बात है, रैंकिंग अपनी एक जगह, टीम की रैंकिंग देख लें आप, इंडिविजुअल रैंकिंग देख लें, वो उसी वक्त काम आती है जब मेगा वर्ल्ड के आप तैयार हुए हो। आप तैयारी बिल्कुल नहीं थी, जैसे कहा कि हमारे जो सीरीज़ें खेली, जिस तरह की क्रिकेट खेली, तो क्या वो सूटेबल थी वर्ल्ड कप के लिए, और क्या उसकी रिफ्लेक्शन आपको दिखी वर्ल्ड कप में कहीं भी? बिल्कुल, हमने जो पूरा साल क्रिकेट खेली वर्ल्ड कप उससे बिल्कुल डिफरेंट खेला, लेकिन हमने उसमें अपने उन्हीं मेन प्लेयर्स को खिलाया। हमारा कोई बैकअप सामने आया? आप मुझे बताएं, सारे मेन प्लेयर चाहे रिजवान हो, बाबर आजम, सब खेले, शाहीन शाह आफरीदी, जितने हारिस रहो, तो फिर हमने क्या किया कि हमारे पास कुछ नहीं था, तो इसका मतलब एक माँ गलती है, हमने कोई बैकअप का तैयार ही नहीं किया। जी अकबर भाई, एक फैक्टर ये भी है कि प्लेयर का बैकअप नहीं है। अगर आप देखें जो प्लेयर परफॉर्म भी करते हैं तो डेवलपमेंट फेसिस से वो गुजर ही नहीं रहा, और वो डेवलप होकर अगली जो है वो तैयार नहीं हो रहा इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। फिर जैसे फर्स्ट क्लास क्रिकेट को अहमियत नहीं दी गई, जैसा वनडे कप हो रहा है अहमियत ही नहीं दी गई, तो परफॉर्म करता है वो भी आपको पता है डेवलपमेंट फेसिस से गुजर के जा ही नहीं रहा। टीम में एक सेट ऑफ प्लेयर खेले जा रहे हैं, आप एक्सटेंड कर ही नहीं रहे, वो तो फिर आप वो सामने वो टैलेंट मैच में वनडे कप की बात की। सिंपल एक एग्जांपल देता हूं मैं, एक लड़का है कासिम अकरम, अंडर 19 का कप्तान भी रहा है, कहा गया कि बहुत जबरदस्त ऑलराउंडर है। मुझे तक अब आज तक ये नहीं पता लग सका कि वो तगड़ा बैट्समैन है साथ बॉलिंग करता है, या बॉलर तगड़ा है और साथ में बैटिंग अच्छी करता है, अभी तक उसका पता नहीं चल सका। सो ये इस चीज को हाईलाइट कर रहा है कि प्लेयर की डेवलपमेंट है ही नहीं, ठीक है। जो मैंने शुरू में बात की थी, जितने भी लोग बोल रहे हैं ये समहाउ क्रिकेट बोर्ड के साथ इन्वॉल्व रहे हैं, समहाउ ये क्रिकेट बोर्ड के साथ, कोई पीएसएल में टीमों के साथ है, कोई एडवाइजर के रूल रूप में, कोई कोच, कोई मैनेजर, कोई अकेडमी में कोच, कोई रीजन का, ये इन्वॉल्व रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन इनसे भी किया जाना चाहिए ना, सॉल्यूशन क्यों नहीं दिया था? नहीं, कौन कौन डेवलप किया अभी आपने? प्लेयर बताए ना किसको डेवलप किया? वो तो कहेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम है ना प्लेयर डेवलप करना, हमारा तो नहीं, हम तो बाहर बैठे हुए हैं ना। नहीं, वो अंदर हैं सारे, अंदर से कितना अरसे से अंदर हैं। अब अगर आप ये समझ रहे हैं वो बाहर है, वो बाहर नहीं है, फिर भी अंदर है वो, बाहर रहकर भी। ये है कि तीन बंदे इस वक्त हैं एग्जिस्टिंग, इनके वो साइड पे होते हैं तो चार उसी ग्रुप के आ जाते हैं, ठीक है। वो साइड पे होते हैं, दूसरा आता है ग्रो, एक ये लॉबी नहीं, अब इसको ग्रो कहना शुरू करते हैं। क्रिकेट में ग्रो ही सियासत आ गई, आप कहते हैं अगर इसको इनसे भी क्वेश्चन होना चाहिए ना कि व्हाट डू यू हैव टू शो फॉर। अभी चेयरमैन बुलाएंगे ना, लोगों से मुलाकात करेंगे, उनसे इनपुट लेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट को सीधे रास्ते पर कैसे गामजन किया जाए। तो क्या सोच के आए थे? वो सोच के आए थे क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम करेंगे ना। देखें, इसमें कोई शक नहीं, ज़कार अशरफ की नीयत यही थी कि क्रिकेट के लिए काम करें, पहले भी रह चुके थे, हम समझ रहे थे कि आप दूसरी बारी लेने आए हैं तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से आएंगे। देखें, यही तो यहाँ पे तो वो स्ट्रगल कर रहे हैं ना, कि अगर उनको ये पता होता कि मेरा ये विजन है और उसके मुताबिक मैंने क्रिकेट बोर्ड को आगे लेके जाना है, और उसके लिए मुझे ह्यूमन रिसोर्स कौन सा चाहिए, कौन कौन से लोग जो हैं, ये जो मेरा विजन है उसको आगे लेके जा, विजन लेस थे वो, भाई नहीं है विजन लेस ना समी। विजन जो होता है कि भाई आप पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट को मजबूत करें, जहां से लड़के आते हैं, भारत की एग्जांपल ले लें, किस तरीके से कितने डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स होते हैं। हमारे यहां तो ऐसा लगता है कि डोमेस्टिक टूर्नामेंट कराकर अपना जो बोझ है उस कंधे से उतार रहे हैं। नदीम खान पहले भी रह चुके डायरेक्टर डोमेस्टिक, जब डिपार्टमेंट रीजन ख़त्म हुए जब भी वो पीसीबी के साथ वाबस्ता थे, अब डिपार्टमेंट्स और रीजन दोबारा बहाल हो रहे हैं, वो तब भी पीसीबी के साथ वापस। जुनेद ज़िया, उनका बॉलिंग एक्शन मशकूक था, वो चार वनडे खेले, वो भी पीसीबी के साथ है। तो ये क्या हो रहा है, ये जो डोमेस्टिक क्रिकेट पे तवज्जो नहीं दे रही, क्या सिर्फ उसको सिर्फ एक जिसे कहें जाए जस्ट गोइंग थ्रू द मोशन, फॉर्मेलिटी पूरी हो रही है? देखें, कुछ कह भी सकते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लॉज हैं अगर आप सिस्टम की बात करें, डोमेस्टिक सिस्टम भी, जैसे मैंने आपको बताया कि रिसेंटली वनडे चल रहा है, फिर आपका फोर डे आप उठा के देख लें, हमारी टीम को स्पिनर की ज़रूरत है, अगर टेस्ट टीम में भी आप देखें स्पिनर की ज़रूरत है। स्पिनर की तो देख लेना, ये सामने स्कोर कार्ड, जी हाँ, 10 ओवर में 57 रन दिए शादाब खान ने, सलमान अली आगा ने 3 ओवर में 25, इफ्तिखार अहमद से आज हैरत है 7 ओवर करा लिए उन्होंने, 38 रन दिए। हमारी परफॉर्मेंस को क्या हो गया है? शायद
शाहीन आफरीदी हमारा मेन एस बॉलर 72 रन, हारिस रऊफ की आप परफॉर्मेंस देखें 64 रन, मोहम्मद वसीम जूनियर 74 रन, वो उनको छोड़ दें, जो आपने शादाब को फ्रंट लाइन स्पिनर खिलाया उनकी परफॉर्मेंस डिस्कस करें। छह मैचों में 2 विकेटें, एक मैच में बॉलिंग नहीं की कंकशन की वजह से, ठीक है, अगर आपका ये फ्रंट लाइन बॉलर वो आपको ये परफॉर्मेंस करके दे रहा है, एज अपोज टू आप इंडिया के स्पिनर्स देख लें, क्रूशियल विकेट्स ली हुई है, जंपा को देख लें 22 विकेटें, महाराज को देख लें बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस, सेंटनर को देख लें, तो ये आमिर ये देखें ना हमारे जो अगर नजर आ रहा है 18 विकेटें शाहीन शाह आफरीदी की, 16 हारिस रऊफ की, वसीम की 10 और हसन अली की 9, लेकिन आप देखें स्पिनर्स की, आपके स्पिनर्स की 12 विकेटें हैं टोटल। देखिए सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क पता क्या है, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क क्या है, चलें अगर आपने शादाब को रिटेन करना था, आपके पास बैठे हुए थे ना लाइन पे अबरार था, अबरार, आप नवाज को चेंज कर लेते कैसे करते, जब सपोर्ट कर रहे होते हैं आप खुद सोचना फिर कैसे, मैं उधर ही आ रहा हूं। अब अगर शादाब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉल कर रहे होते हैं, 5 मैचों में उन्होंने 4 मैचों में उन्होंने कोई 12-13 आउट किया होता है, तो आप कहते हैं हाँ इसको कंकशन है लेकिन हम इसको रिप्लेस नहीं करना चाहते क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है टीम का, देख लिया ना आपने, इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन अगर वो स्ट्रगल कर रहे हैं बॉलिंग करते हुए तो फिर आप क्या कहते हैं कि यार वापस आएगा, ये आउट ऑफ फॉर्म है, और 2 क्रूशियल मैच पाकिस्तान खेल रहा था बाय द वे, बिल्कुल बिल्कुल सही, आपने चेंज नहीं किया उसको, ये किस चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं, टॉसें किया किस चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं,